फ्रेंकली स्पीकिंग 2016 के बाद मैंने सोचा था कि मैं कराटे क्विट करके मैंने जॉब शुरू कर दी थी, बिकॉज पाकिस्तान के लिए एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेना, दो बार कॉमनवेल्थ चैंपियन बनना, यूएस ओपन में गोल्ड मेडल लेना, काफी जगह मेडल लेने के बाद फिर मैंने अपनी फेडरेशन से बात की, मैंने कहा कि गवर्नमेंट का वो सपोर्ट नहीं आ रहा जो आना चाहिए। आई एम द ओनली एथलीट इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया, नॉट ओनली पाकिस्तान, जिसने एशिया का गोल्ड मेडल लिया और एक बार नहीं बल्कि तीन बार कंटिन्यूसली मैंने मेडल लिए। उसके बाद भी गवर्नमेंट का वो रिस्पॉन्स नहीं आया, वो पजीराई नहीं दी गई जिस तरह देने चाहिए, क्योंकि एथलीट जो है वो इतने अच्छे घराने से नहीं होते। सिर्फ मुझे मेरा अच्छा ये था कि मैं दुबई में आया, प्रोफेशनल लीग खेलने शुरू किया, लेकिन मुझे 10,000 बच्चे पाकिस्तान में इंस्पायर करते हैं कराटे जो खेलें, कि साजिद अब्बास ने भी एशिया का टाइटल लिया, हम देखते हैं कि गवर्नमेंट उसे क्या दी। तो वो जो है बच्चे जो है मुझसे आकर सवाल करते हैं कि साजिद भाई आपको मिला क्या। तो वो बच्चे जो कराटे में एडमिशन ले रहे थे जब साजिद अब्बास ने गोल्ड मेडल लिया, तो जब उनको पता चला गवर्नमेंट ने कुछ किया तो वही बच्चे ने कराटे से बैक आउट किया। तो मैंने कहा कि अगर मैं किसी के काम ही नहीं आ सकता तो व्हाई शुड आई इन्वेस्ट माय लाइफ हियर। तो मैंने दुबई में कंपनी में प्राइवेट कंपनी में जॉब शुरू कर दी, पार्ट टाइम में अपनी क्लब में कराटे खेलता था, बट व्हेन कराटे केम इनटू ओलंपिक्स इन 2016 तो मैंने मुझे फिर से वो कराटे का भूत जागा एंड मैंने कहा कि अगर मैंने अपने लिए तो मैं हाउ आई कैन बी अ सेल्फिश कि मैं खुद के लिए दी रहा हूँ और जो पाकिस्तान में जो बच्चे जो यूथ मेरा इंतजार कर रहा है कि पाकिस्तान के लिए अगर कराटे में कुछ कर सकता है तो शादी के बाद तो उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी कंपनी के जो है एचआर से बात की, मैंने कहा मैं इसी तरह बड़ा प्लेयर हूँ और कराटे जो ओलंपिक्स में आ चुकी है, सो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक शॉट ओलंपिक के लिए ट्राई करूँ कि एटलीस्ट अगर आई क्वालिफाई तो मैं पाकिस्तान के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर सकूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे एसओपी में इस तरह नहीं है। मैंने फिर वो अपनी अच्छी खासी जॉब मल्टीनेशनल कंपनी की मैंने उसको रिजाइन कर दिया। लाइक शलहूब ग्रुप दुबई में बहुत बड़ा नाम है और उसमें मैं फैशन इंडस्ट्री में था और अच्छी जॉब थी मेरी सेल्स एग्जीक्यूटिव की और पार्ट टाइम मैं कराटे भी करता था हर जगह। उससे मैंने रिजाइन किया, मैं पाकिस्तान गया, जो मैंने पैसे अपने अर्निंग से जमा किए थे उस मैंने खुद पे इन्वेस्ट किए, क्योंकि हमें ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए प्रीमियर लीग वगैरह खेलनी। सो स्टार्टिंग में वो पैसे मैंने अपनी जेब से खर्च किए और मैं स्पॉन्सरशिप की तलाश में निकल गया कि हो सकता है पाकिस्तान में लोग कुछ ना कुछ मुझे दें। बट एक साल तक किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद जो है अचानक से एक प्राइवेट कंपनी जो है मैग्नस स्पोर्ट्स के नाम से स्पोर्ट्स वहाँ पे अशरफ कलीम उसके सीईओ थे, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई क्योंकि मैं डिफरेंट चैनल में जाके बात करता था। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला मैं भी कुछ इस तरह पाकिस्तान के एथलीट के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं आपको उस लेवल की सपोर्ट नहीं कर सकता लेकिन आप जब भी टूर पर जाओगे उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा मेरा आप जरूर।